दोस्तों आज की ये वीडियो देखकर आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि Honor 8 X या फिर Realme 2 Pro, इन दोनों में से कोई फोन आपके लिए है या नहीं। अगर है तो कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है इन दोनों के कंपैरिजन में। अब ये वीडियो लाने में मैं लेट हो गया, इसका यही रीजन था। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाना चाहता था जो एक वीडियो आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं आपको इस वीडियो में आज क्या क्या मिलेगा। एक तो छोटा सा सरप्राइज भी है मेरी तरफ से आपके लिए। क्यों, क्या, कैसे सब पता चल जाएगा, वीडियो में बने रहिए। Honor 8 X और Realme 2 Pro की अगर हम बात करते हैं, एक तो हम आज फुल रिव्यू करने वाले हैं इन दोनों डिवाइस का। रिव्यू के साथ होगा कंपैरिजन, हीटिंग टेस्ट, बैटरी ड्रेन टेस्ट, कैमरा कंपैरिजन, सब कुछ आपको मिलेगा। इन दोनों में कितनी कमियां हैं, वैसे तो बहुत सारी कमियां हैं, आगे आपको बताऊंगा। और क्या इनकी अच्छी बातें हैं, अच्छी बातें भी बहुत सारी हैं। देखो वैसे तो ये दोनों डिवाइस काफ़ी सही हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है आपको बताने वाला। अब मुझे काफ़ी दिन हो चुके हैं इनको यूज़ करते हुए। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की। ये है रियलमी 2 प्रो, बैक साइड पे आपको मिलती है ग्लास फिनिशिंग, लेकिन ये ग्लास नहीं है, ये है फाइबर ग्लास, और साइड में है पॉलीकार्बोनेट का फ्रेम। अब वैसे तो ये आपको ठीक लगेगा देखने में, लेकिन जब आप इसको हाथ में लोगे तो शायद ही आपको उतना प्रीमियम ना लगे जितना कि लगेगा Honor 8 X। Honor ने दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि Honor की तरफ से हमें ऐसी प्राइसिंग पे ऐसी बिल्ड क्वालिटी वाला फ़ोन मिल सकता है। प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो 14999 का आता है इसका बेस वेरियंट, जिसमें आपको 4 GB की रैम मिलेगी 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। वहीं अगर हम देखते हैं रियलमी 2 प्रो, उसका बेस वेरियंट आता है 13990 में, उसमें भी आपको 4 GB की रैम मिलती है 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। दोनों में ही आपको मिलता है SD कार्ड के लिए डेडिकेटेड स्लॉट, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और जो भी वेरिएंट्स आते हैं इन दोनों स्मार्टफोन्स के, वो सब डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप देख सकते हैं। तो जैसे ही आप Honor 8 X को हाथ में लोगे तो आपको लगेगा कोई फ्लैगशिप फ़ोन आपने हाथ में लिया है। बैक साइड पे ग्लास आपको मिलता है ये, और साथ में है मेटल फ्रेम। और अगर आप देखो तो बैक साइड पे एक अलग से स्ट्रिप आपको दी गई है, ये इसकी खास बात है जो इस फोन को और भी प्रीमियम बनाती है। यहाँ मैं कहूँगा रियलमी 2 प्रो का डिज़ाइन भी अच्छा है अपनी जगह पे, लेकिन कंपैरिजन में विनर है Honor 8 X। अब इससे पहले कि आप सोचो कि Honor 8 X ही बेस्ट है आपके लिए, थोड़ा सा आप वेट कर लो, कमियाँ भी सुन लो इस फ़ोन की, उसके बाद आप डिसाइड करना। अब हम बात करते हैं डिस्प्ले की। देखो रियलमी 2 प्रो का फुल HD+ डिस्प्ले है 6.3 इंच का, और Honor 8 X का है फुल HD+ 6.5 इंच। हाइट में थोड़ा सा बड़ा यहाँ आपको मिलता है Honor 8 X, लेकिन हाथ में लेकर उतना फ़र्क आपको पता नहीं चलेगा। इसके अलावा नोच पे भी यहाँ फ़र्क है, एक तरफ छोटी सी नोच आपको दी गई है और दूसरी तरफ है वाटर ड्रॉप नोच। बेजल्स आपको दोनों में ही बहुत कम दिए गए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। Honor ने बहुत ही अच्छा डिस्प्ले आपको दिया है इसमें, लेकिन थोड़े पंची कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। डिफॉल्ट कलर टेम्परेचर आप देखोगे तो विविड पे सेट है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। वहीं अगर हम बात करते हैं रियलमी 2 प्रो की, तो इसमें हमें नेचुरल कलर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ जो फ़र्क आता है वो आता है डिस्प्ले प्रोटेक्शन में। रियलमी 2 प्रो में हमें मिलती है गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन, Honor 8 X में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन नहीं दी गई। डिस्प्ले के बाद हम बात करते हैं लाउड स्पीकर की, जिसमें कहीं ना कहीं दोनों में ही कमी है। उससे पहले हम सरप्राइज़ की बात करते हैं, आपको ये ब्लूटूथ ईयरफोन्स मिल सकते हैं। एक्चुअली इनका गिव अवे मैंने कुछ टाइम पहले किया था, 13 सितंबर को मैंने रिजल्ट भी निकाला था, लेकिन मुझे विनर का कोई मेल नहीं आया। मैंने काफ़ी कोशिश भी की है कॉन्टैक्ट करने की, लेकिन कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। अब ये ब्लूटूथ ईयरफोन्स आप में से किसी के हो सकते हैं। जीतने के लिए आपको क्या करना है, आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है और 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। जो 3 स्टेप्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और जो 3 क्वेश्चंस हैं वो मैं आपसे इसी वीडियो में पूछने वाला हूँ। #GizmoGun लगाकर आपको आंसर देना है। आपको तीनों क्वेश्चंस का एक ही कमेंट में आंसर देना होगा, और जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उनका आंसर इसी वीडियो में छुपा है। आपका पहला क्वेश्चन है कि Honor 8 X की ऐसी कौन सी खास बात है जो इस फ़ोन को और ज़्यादा प्रीमियम बना देती है। चलिए अब हम इनके स्पीकर के बारे में बात करते हैं। पहले मैं एक सॉन्ग प्ले करता हूँ Honor 8 X में। अब Realme 2 Pro में ये
यहाँ मैं कहूँगा इन दोनों के ही इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ऑनररी टैक्स में आपको ऐसा फील होगा कि जैसे दबी दबी साउंड आ रही है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी आपको ठीक से सुनाई नहीं देगा, मतलब ऐसा लगेगा जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो खुल के नहीं आ रहा। वहीं अगर हम बात करते हैं रियलमी 2 प्रो की, यहाँ आपको लाउडनेस तो अच्छी मिलती है लेकिन फुल वॉल्यूम पे डिस्टॉर्शन है। अब दोस्तों आपको ये दिक्कत आई है या नहीं आई है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर मैं इनको कंपेयर करता हूँ बाकी स्मार्टफोन्स के साथ जो कि सेम कैटेगरी के हैं, तो इन दोनों का लाउड स्पीकर वीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि हेडफोन जैक से आउटपुट कैसा है, तो ऑनरेडी टैक्स का तो मैं कहूँगा एवरेज है, और वहीं हमारा जो रियलमी 2 प्रो है इसका ऑनरेडी टैक्स से तो बेटर है, लेकिन ज़बरदस्त हम इसको भी नहीं कह सकते। आपको इनका लाउड स्पीकर कैसा लगा ऊपर पोल में बताना मुझे। अब हम बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट की, जो कि है परफॉर्मेंस। रियलमी 2 प्रो में है स्नैपड्रैगन 660, और वहीं आपको मिलता है ऑनरेडी टैक्स में किरिन का 710। ये दोनों प्रोसेसर दोस्तों कहीं से भी कम नहीं है, हमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है इन दोनों डिवाइस में। गेमिंग एक्सपीरियंस भी इनका काफ़ी अच्छा है, दोनों में ही आप पबजी HD ग्राफिक्स पर भी खेल सकते हो। लेकिन दोस्तों HD ग्राफिक्स पर थोड़े फ्रेम ड्रॉप्स आपको देखने को मिल सकते हैं, बैलेंस्ड ग्राफिक्स पर पबजी आपकी बहुत ही स्मूथ चलेगी। और जो रैम मैनेजमेंट है वो यहाँ बेटर है रियलमी 2 प्रो की ऑनरेडी टैक्स के कंपेरिजन में। ऑनरेडी टैक्स की दोस्तों मुझे रैम मैनेजमेंट अच्छी नहीं लगी, अब चाहे ये ओनर ने बैटरी लाइफ के लिए किया हो या कुछ भी हो, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता अगर छोटी छोटी ऐप्स भी रीलोड होती रहें। चलिए अब इन दोनों डिवाइस में बैटरी ड्रेन और हीटिंग टेस्ट कर लेते हैं। मैं इन दोनों डिवाइस में 10 मिनट तक वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन रखूंगा, उसके बाद मैं करूंगा 20 मिनट तक गेमिंग, फिर हम चेक करेंगे बैटरी कितनी ड्रॉप हुई है और जो टेम्परेचर है वो कितना है। टेस्टिंग शुरू करने से पहले ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन, आपको बताना है कि ऑनरेडी टैक्स और रियलमी 2 प्रो दोनों के लाउड स्पीकर में क्या कमी है। चलिए अब टेस्टिंग शुरू करते हैं। पहले हम चेक कर लेते हैं इस टाइम पे बैटरी और टेम्परेचर कितना है। रियलमी 2 प्रो की अभी बैटरी है 41% और टेम्परेचर है बैक साइड से 30 डिग्री और फ्रंट से आइए 31-32 के आसपास, ये अभी का टेम्परेचर है रियलमी 2 प्रो का। ऑनरेडी टैक्स में अभी बैटरी है 45% और यहाँ टेम्परेचर है बैक साइड से 28-29 के आसपास और फ्रंट से इसका है 30 डिग्री के आसपास। अब मैं इन दोनों में 10 मिनट तक वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करूँगा। अभी जैसे टाइम हुआ है 6:03, तो मैं यहाँ रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ दोनों में। दस मिनट तक अब ये रिकॉर्डिंग ऑन रहेगी, तब तक मैं आपको बता देता हूँ बैटरी के बारे में। रियलमी 2 प्रो में आपको बैटरी मिलती है 3500 mAh की, और वहीं अगर हम देखते हैं ऑनरेडी टैक्स तो यहाँ बैटरी दी गई है 3750 mAh की। अब दोस्तों जो प्रोसेसर है रियलमी 2 में ये बना है 14 नैनोमीटर पे, स्नैपड्रैगन 660 है ये, और इसमें आपको मिलता है किरिन का 710, ये आता है 12 नैनोमीटर पे, तो ये काफ़ी पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है ऑनरेडी टैक्स में। एक बात और मैं आपको बता दूं, अभी क्या है रियलमी 2 प्रो में बैटरी ड्रेन थोड़ी फास्ट हो रही है, इसको लेकर एक ट्वीट भी आया है माधव जी का, उन्होंने कहा है जल्दी OTA अपडेट से ये इशू फिक्स कर दिया जाएगा। अब देखते हैं कब तक ये इशू फिक्स होता है। इन दोनों में ही आपको नहीं मिलता फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट और ना ही आपको मिलता है USB-C टाइप पोर्ट, दोनों में ही आपको दिया गया है माइक्रो USB पोर्ट। ये भी हम एक डाउन साइड कह सकते हैं इन दोनों डिवाइस का, आज की डेट में USB-C टाइप पोर्ट और फास्ट चार्जिंग का ना होना। चलो अब हम 10 मिनट बाद मिलते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने के बाद। तो यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, अब मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ और हम करेंगे 20 मिनट तक गेमिंग, 10 मिनट शैडो फाइट 3 और 10 मिनट एसफाल्ट 9, फिर चेक करेंगे हम बैटरी कितनी ड्रॉप हुई है और टेम्परेचर कितना है। शैडो फाइट 3 के 10 मिनट हो गए, अब एसफाल्ट 9। तो देखो दोनों में 10 मिनट वीडियो रिकॉर्डिंग और 20 मिनट गेमिंग करने के बाद बैटरी ड्रॉप हुई है रियलमी 2 प्रो में 12%, 41% से ये आ गई है 29% पे। ऑनरेडी टैक्स में 11% बैटरी ड्रॉप हुई है, यहाँ 45% से आ गई है 34% पे। टेम्परेचर दोनों का ही नॉर्मल है बैक और फ्रंट दोनों साइड से। चलो दोस्तों अब हम बात करते हैं सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट की, जो कि है कैमरा। दोनों में आपको मिलते हैं रियल में ड्यूल कैमरास। ऑनरेडी टैक्स का प्राइमरी कैमरा है रियल में 20 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर के साथ, और सेकेंडरी कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल। रियलमी 2 प्रो का प्राइमरी कैमरा है रियर में 16 मेगापिक्सल का f1.7 अपर्चर के साथ, और सेकेंडरी कैमरा यहाँ भी आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल का, फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल।
फ्रंट कैमरा के लिए आपको दोनों में ही मिलता है स्क्रीन फ्लैश का ऑप्शन। ऑनर एट एक्स में एक स्पेशल नाइट बोर्ड भी है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे वो काम करता है। AI के फीचर्स भी आपको दोनों में बहुत सारे मिलते हैं। अब मैं आपको इन दोनों की साइड बाई साइड पिक्चर्स दिखाऊंगा। पहले हम फ्रंट कैमरा देख लेते हैं। फ्रंट कैमरा जैसे कि आप देख सकते हो बिना किसी डाउट के ऑनर एट एक्स का काफ़ी बेटर है रियलमी 2 प्रो के कंपेरिजन में। रियलमी 2 प्रो एक्सपोजर अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाता। और अगर हम बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की, तो दोनों में ही आपको पोर्ट्रेट मोड मिलता है फ्रंट कैमरा के लिए भी, लेकिन उतना परफेक्ट हम नहीं कह सकते, लेकिन अच्छे से काम करता है दोनों का ही। और अगर हम बात करते हैं डे लाइट की, तो यहाँ आपकी चॉइस पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा पसंद आता है। जो रियलमी 2 प्रो है उसमें थोड़ी नेचुरल कलर्स देखने को मिलते हैं, और जो हमारा ऑनर एट एक्स है यहाँ जो कलर्स हैं वो थोड़े बूस्टेड आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जो ऑनर एट एक्स का नाइट मोड है वो काफ़ी अच्छे से काम करता है। लो लाइट में नाइट मोड ऑन करके पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिलती है। मुझे रियर कैमरा दोनों का ही अच्छा लगा है, लेकिन जो फ्रंट कैमरा है वो बेटर लगा मुझे ऑनर एट एक्स का। रियलमी 2 प्रो का फ्रंट कैमरा इसका सबसे वीक पार्ट है। पिक्चर्स आपने दोनों की देख ली हैं, ऊपर पोल में बता दो अब कि आपको किसका कैमरा अच्छा लगा। अगर हम बात करते हैं स्लो मोशन मूवी कैप्चर करने की, तो रियलमी 2 प्रो में आपको अभी ये ऑप्शन नहीं मिलता, जबकि ऑनर एट एक्स में आप सुपर स्लो मोशन मूवी कैप्चर कर सकते हो। इसके अलावा रियलमी 2 प्रो के रियर कैमरा से आप 4K तक वीडियो कैप्चर कर सकते हो, जो ऑप्शन आपको नहीं मिलता ऑनर एट एक्स में। यहाँ फुल HD तक ही वीडियो कैप्चर कर पाओगे। वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए EISP आपको नहीं मिलता ऑनर एट एक्स में, जो कि आपको मिलता है रियलमी 2 प्रो में। अब हम चेक करते हैं फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर किस तरह से काम करता है। पहले मैं करता हूँ ऑनर एट एक्स का चेक, तो ये टैप करते ही अनलॉक हो जाता है। आप साउंड से पता लगा सकते हैं, देखिए टैप अनलॉक, तो ये काफ़ी फास्ट है इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर। अब हम देखते हैं फेस अनलॉक, पावर बटन अनलॉक, पावर बटन, बिल्कुल इंस्टेंट अनलॉक होता है, आपको लॉक स्क्रीन नहीं दिखती है इसमें। अगर मैं आंखें बंद करके अनलॉक करता हूँ तो ये आंखें बंद करके काम नहीं कर रहा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब ये है रियलमी 2 प्रो, ये भी टैप करते ही अनलॉक हो जाता है। साउंड आप देख सकते हैं, तो ये काफ़ी फास्ट है। अब देखते हैं फेस अनलॉक, पावर बटन, तो ये भी इंस्टेंट अनलॉक होता है ओनर की तरह ही। दोनों का फेस अनलॉक काफ़ी फास्ट है, और आंखें बंद करके अगर मैं देखूं तो आंखें बंद में ये नहीं ओपन हो रहा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम सॉफ्टवेयर एंड यूज़र इंटरफेस की तरफ। दोस्तों ओनर ने इस बार इतना अच्छा काम किया है कि आप स्ट्रोक एंड्रॉयड बिल्कुल भूल जाओगे। EMUI आपको मिलता है इसमें, और इतना स्मूथ एक्सपीरियंस है आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई कस्टम UI है। आपको लगेगा कि आप स्ट्रोक एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो बहुत सारे फीचर्स के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो एंड्रॉयड ओरियो पर ये फ़ोन चल रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं रियलमी 2 प्रो की, तो यहाँ आपको मिलता है ColorOS, बहुत सारे फीचर्स आपको इसमें भी मिलते हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं EMUI वाला एक्सपीरियंस आपको इसमें बिल्कुल नहीं होने वाला। हालांकि जो लोग काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे होंगे ColorOS, हो सकता है उन्हें दिक्कत ना भी होती हो, लेकिन जिन्हें इसकी आदत नहीं है, जो जो प्रॉब्लम वो फेस करेंगे वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। उससे पहले ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन, रियलमी 2 प्रो के कैमरे का सबसे वीक पार्ट क्या है। ये 5 इशू मैं आपको बताने वाला हूँ ColorOS के, जो आपको इरिटेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो ये आपको UI है इसका, ये बिल्कुल ओल्ड टाइप लगेगा, आपको लगेगा जैसे आप एंड्रॉयड किटकैट यूज़ कर रहे हो। सेकंड, आइकन्स रॉयल नहीं है इसके, बड़े बड़े आइकन्स आपको मिलते हैं। थर्ड, थीम ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। फोर्थ और सबसे बड़ा है नोटिफिकेशन इशू। मान लो आपने काफ़ी देर तक फ़ोन यूज़ नहीं किया, उसके बाद जब आप फ़ोन देखोगे आपको कुछ पता नहीं चलेगा नोटिफिकेशन का, जब तक आप स्वाइप डाउन करके नहीं देखोगे। रियलमी को कुछ ऐसा करना चाहिए जो भी नोटिफिकेशन आ रखी हैं उनके आइकन यहाँ ऊपर छोटे छोटे आ जाएँ, क्योंकि स्पेस की यहाँ कमी नहीं है, वाटर ड्रॉप नोच के साथ स्पेस यहाँ बहुत है। बस जो ये स्पेस है इसको अब यूज़ करना है। रियलमी प्लीज़ हमें जल्दी से OTA अपडेट दे दो इसको लेकर, और आप सब भी हेल्प करो इस वीडियो को रियलमी तक पहुँचाने की। दबाकर लाइक और शेयर करो इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर। 5th इशू है कि आपको इसमें स्क्रीन ऑन टाइम नहीं दिखेगा। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे इशूज़ हैं। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये आपके लिए कितने मैटर करते हैं, ये भी आप बता दो ऊपर पोल में। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको पता चल गया होगा कि किस फ़ोन में क्या कमी है और क्या अच्छी बातें हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए इनमें से कौन सा फ़ोन परफेक्ट है। यहाँ हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक बिल्कुल बेकार है तो दूसरा बिल्कुल अच्छा। कुछ बातें किसी की अच्छी हैं और कुछ बातें किसी की। रियलमी ने भी दोस्तों बहुत अच्छा काम किया है, अगर आप देखते हो कुछ महीने पहले आई कंपनी के अकॉर्डिंग। तो ऐसे में दोस्तों रियलमी को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। 14,000 में ज़बरदस्त रियर कैमरा, वाटर ड्रॉप नोच, स्नैपड्रैगन 660,
ये कोई छोटी बात नहीं है। बाकी मुझे ऑनर टैक्स बहुत ही अच्छा लगा बिकॉज ऑफ बिल्ड क्वालिटी एंड EMUI। EMUI आपको पता है मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा था अपने ऑनर व्यू 10 में। अब आपको बताना है कि आपको इन दोनों में से कौन सा फ़ोन अच्छा लगा, आप कौन सा लेना पसंद करोगे, कमेंट्स में बताना मुझे। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।